Check, keep shocking and keep enjoying. लोगों को आप ये ना बताओ क्या करने वाले हो, आप उन्हें शॉक करो. Keep on shocking them और उसके बाद उनसे कुछ ना बोलो और अपने अगले प्रोजेक्ट की ओर बढ़ जाओ और फिर से उन्हें शॉक करते रहो. A very warm welcome everyone. My name is Kush Pandey and the picture that you are seeing in front of you guys is the man who has the maximum number of followers on Instagram, that is more than 200 million followers on Instagram. And 15 years from now, he did not ever wonder that he will be the most followed person on Instagram. And his name, guys, is Rock the Dwayne Johnson. And guys, अब इनके पास सब कुछ ऐसा है जो ये चाहते हैं. So if he can do it, then also you can do it, my friends. So hello and welcome guys, my name is Kush Pandey and you're watching the Daily Current Affairs show based on the Hindu. और आज हम डिस्कस करेंगे कल और आज 14th and 15th October हेडलाइंस को. तो बाल्टी भर के हेडलाइंस हैं एंड मैं चाहूँगा ज़रा फटाफट आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें एंड जल्दी से वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेशली टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दें सो दैट वी कैन रीच मैक्सिमम पीपल पॉसिबल. गाइज, याद रखिएगा कि दिस पर्टिकुलर सेशन focuses on two things, one 8 AM, the second one is 4 PM. आप दो सेशंस देख लो और इन सेशंस को देखने के अलावा आपको किसी भी एग्जाम के लिए कोई और सेशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आगे बढ़ने से पहले गाइस, आज बात कर लेते हैं हमारे आज के चैंपियन ऑफ चैंपियंस पे. तो आज हमारी नई बनी है चैंपियन ऑफ चैंपियंस, उनका नाम है दीक्षा. कंग्रेचुलेशन दीक्षा फॉर डिपोजिंग मिली एंड दीप गोयल एज द न्यू चैंपियन ऑफ चैंपियंस. तो कंग्रेचुलेशन आपको. एंड हमारे जो अदर विनर्स हैं उनमें भी कुछ नए लोग आए हैं. फॉर एग्जाम्पल पीयूष, जिनका प्यार से नाम है भौकाली बाबा, देन मिली अग्निहोत्री, फैज़ अख्तर और नई एंट्री आई है प्रवीण की. He is at the fifth spot. So congratulations to everyone guys of winning the day before yesterday's quiz. अब आइए आज डिस्कस कर लेते हैं आज हम क्या करने वाले हैं, हम आपके साथ आज क्या कर सकते हैं. सबसे पहले guys, we'll discuss revision MCQ. आज 10 multiple choice questions होंगे पिछले दिन के. Then today guys, we'll be focusing on 35 हेडलाइंस. जी बिल्कुल, आपने सही सुना, आज इस सेशन के अंदर हम 35 हेडलाइंस कवर करेंगे. तो एक होता है ना एक्सप्रेशन ओ माई गॉड, वो हम करने वाले हैं इस 35 हेडलाइंस में. सम हेडलाइंस विल बी फ्रॉम द 14th-15 अक्टूबर द हिंदू, देन फ्रॉम PIB, देन फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो DD न्यूज़ एंड ऑल्सो फ्रॉम कुछ सर की न्यूज़ वाइंस. इसके बाद हम करेंगे आज एक नया एडिशन किया है मैंने, दैट इज़ सरप्राइज क्विज. तो गाइज प्लीज़ अपने जहाँ पर बैठे हैं बैठ जाइए, जहाँ पर लेटे हैं लेट जाइए, बिकॉज ये सफ़र होने वाला है सुहाना. इट विल बी समथिंग दैट विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग. ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस. उससे पहले गाइस, आई वुड वांट एवरीवन टू प्लीज़ जॉइन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप. इस ग्रुप का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दिया है. प्लीज़ एवरीवन जॉइन दिस पर्टिकुलर लिंक सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लिंक. गाइस ये लिंक मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर दे दिया है, ठीक है. ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन पे ये लिंक दिया हुआ है. यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर लिंक गाइस एंड वहाँ पर आपको ये लिंक मिल जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद आर रिवीजन क्विज. एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर 1. फेमस पर्सनालिटी राजन वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, एक्टिंग, साइंस या नन ऑफ दीस. इनका संबंध इनमें से किससे था. इसका आंसर है ही वॉज अ म्यूजिशियन गाइज एंड ही हैज़ रिसेंटली गाइज पास्ड अवे. क्वेश्चन नंबर 2. लेट विनोद सिंह, who passed away recently, was the minister for backward and extremely backward classes in which state. इनमें से किस राज्य के आपके मंत्री हैं backward और extremely backward classes welfare के, आपके विनोद सिंह. झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, UP या फिर आपका MP. And the answer of this particular question is, it is option C, that is आपका बिहार. बिहार से ये MP थे. यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा, out of the following, which is the state which has set up a new scheme for तेंदुआ लीफ collectors, जो तेंदुआ leaves collectors हैं उनके लिए एक नई योजना किससे बनाई है. आंसर है आपका छत्तीसगढ़. क्वेश्चन नंबर 2 गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कौन से स्टेट ने अपना नया स्टेट लोगो लॉन्च किया है. उसका आंसर है आपका झारखंड. क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर घर तक फाइबर स्कीम को लॉन्च किया गया है. उसका आंसर है आपका बिहार. क्वेश्चन नंबर 4, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर मैक्सिमम इम्प्लीमेंटेशन हुआ है ऑफ PM स्वनिधि.
The answer is it is Madhya Pradesh. And the last question, guys, इनमें से वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल स्टार्ट किया गया है? The answer is it is उत्तर प्रदेश. Next question. Who of the following has not won a Nobel Prize in Economics? इनमें से किसको दोस्तों Nobel Prize नहीं मिला है Economics में? Robert Wilson, Paul Milgrom, Abhijit Banerjee, Shaktikanta Das या फिर आपका Esther Duflo? इसमें आंसर जो आपके सामने है that is option D. It is Shaktikanta Das साहब को ये सम्मान नहीं मिला है. He is even not an economist, but he is the RBI governor right now. इनको इनके अलावा बाकी सबको दोस्तों आपका मिल चुका है Nobel Prize in Economics. ये बात आप यहाँ पर याद रखिएगा. इनमें से रॉबर्ट विल्सन, पॉल मिलग्राम को इस साल मिला है दिस ईयर, एंड प्रीवियस ईयर आपका मिला है अभिजीत बैनर्जी को और एस्टर डफलो को फॉर इकोनॉमिक्स. चलिए आगे बढ़े. मिस्टर इमाम अली रहमान हैज बीन रीएलेक्टेड एज द हेड ऑफ विच कंट्री? इनमें से किस देश के हेड के तौर पर पुनः निर्वाचित हुए हैं आपके इमाम अली रहमान? तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान या फिर आपका उज्बेकिस्तान? इसका आंसर आपके सामने दोस्तों जो है दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज तजिकिस्तान के दोस्तों बने हैं आपके रीएलेक्ट हुए हैं आपके एज द हेड ऑफ कंट्री मिस्टर इमाम अली रहमान. आगे बढ़ते हैं. IIIT Hyderabad has set up a center of AI in collaboration with which of the following companies? इनमें से किस संगठन के साथ collaboration में IIIT Hyderabad ने एक center start किया है for AI? Microsoft, Intel, Amazon, SpaceX या फिर आपका Facebook? किसके साथ आपका ये एक center जो है उसको setup किया है? इसका answer दोस्तों जो आपके सामने है that is option B, that is Intel India के साथ ये collaboration हुआ है और Hyderabad में this center of AI has been set up. Who has won the 17th National Basketball Association Championship? इनमें से किसने 17वीं बार NBA Championship को दोस्तों जीता है? Miami Heat, LA Lakers, Sacramento Kings, Golden State Warriors या फिर आपके Boston Celtics? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज लॉस एंजलिस लेकर्स. उन्होंने इसको इस बार जीता है. दे हैव डिफीटेड ऑप्शन ए, दैट इज मियामी हीट्स इन द फाइनल्स, और वो इसके दोस्तों आपके जो हैं वो विनर हैं. यहाँ पर याद रखिएगा कि नाउ लॉस एंजलिस लेकर्स एंड बॉस्टन सेल्टिक्स दोनों के अब 17 चैंपियनशिप हो गए हैं इसको जीतने के बाद. इस बात को भी याद रखिएगा. एंड लिब्रॉन जेम्स एंड हैज नाउ वन 4 चैंपियनशिप्स विद अदर टीम्स. उनका नाम है लिब्रॉन जेम्स. आगे बढ़ते हैं. मिस्टर कार्लटन चैपमैन वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? इनमें से किस खेल से संबंधित हैं आपके मिस्टर कार्लटन चैपमैन? क्रिकेट, लॉन टेनिस, फुटबॉल, हॉकी या फिर आपका टेबल टेनिस? इसका आंसर है आपका इनका संबंध दोस्तों है आपका फुटबॉल से. ही वॉज अ फॉर्मर फुटबॉल कैप्टन. ही वन एज दी सैफ चैम्पियनशिप इन 1997 और इनका दोस्तों हाल ही में आपका देहांत हो गया, इस वजह से ये आपके दोस्तों न्यूज़ में थे. देह विचवा करनी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? अभी हाल ही में इस आत्मकथा का विमोचन किया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने. ज्योतिबा फूले, बाबा आमटे, बाला साहेब विखे पाटिल, आर के लक्ष्मण या फिर आपका नन ऑफ दीज? इसका दोस्तों जो आपके सामने आंसर है द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज ऑप्शन सी, दैट इज बाला साहेब विखे पाटिल. इन ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है. इनके इनकी याद इनको याद किया गया कल परसों, एंड उनकी ऑटोबायोग्राफी देह विचवा करनी इसको दोस्तों लॉन्च किया गया. आगे बढ़ते हैं. हाउ मेनी लैक टेली कंसल्टेशन हैज़ बीन कम्प्लीटेड बाई ई संजीवनी द हेल्थ मिनिस्ट्रीज टेलीमेडिसिन सर्विस? जो ई संजीवनी आपकी एक सर्विस है, चाहे वो डॉक्टर टू डॉक्टर हो या डॉक्टर टू पेशेंट हो, इस सर्विस ने कितने लाख कंसल्टेशन फ़ोन के जरिए कर लिए हैं? 3 लाख, 4 लाख, 5, 6 या फिर आपका 7 लाख? द आंसर इज इट इज़ 5 लाख कंसल्टेशन जो हैं वो ई संजीवनी ने दोस्तों हाल ही में आपके कर लिए हैं. आगे बढ़ते हैं. होलोंगी इज़ एन एयरपोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इनमें से किस पर्टिकुलर स्टेट का एयरपोर्ट है आपका होलोंगी? अरुणाचल, वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम या फिर आपका मिजोरम? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश. याद रखिएगा कि विद दिस नाउ अरुणाचल प्रदेश इज़ ऑन द सिविल एविएशन मैप. क्वेश्चन नंबर 2 गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा वो स्टेट है जिसने सेल्फ स्कैन ऐप को लॉन्च किया है? नाम क्या है आपका सेल्फ स्कैन? द आंसर इज़ इट इज़ वेस्ट बंगाल. क्वेश्चन नंबर 3 गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइज वो कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया है उरुणोदय स्कीम? कौन सा स्कीम का नाम है आपका उरुणोदय स्कीम? उसका आंसर है आपका दोस्तों असम. क्वेश्चन नंबर 4 गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन से स्टेट में आपका जोराम तांगा का फूड पार्क है? उसका आंसर है आपका मिजोरम में जोराम तांगा का आपका फूड पार्क है. बिल्कुल सही जवाब है. और आखिरी सवाल मेरा आपसे, फांग लाप्सो इज अ फेस्टिवल इन विच स्टेट? उसका आंसर दोस्तों जो है फांग लाप्सो जो फेस्टिवल है ये आपका सिक्किम के अंदर पड़ता है.
तो जिनका स्कोर गाइस 10/10 है एक बार कमेंट कर दीजिएगा विद अ थम्स अप। जिनका स्कोर 10 में 7 से कम है, प्लीज़ गाइस आप लोग प्लीज़ फोकस करो, रेगुलर हो जाओ, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। 10/10 वाले चैंपियन ऑफ चैंपियंस हैं, 10/9 और 8 वाले दोस्तों हमारे सुपर व्यूअर हैं, 10/7 वाले हमारे रेगुलर व्यूअर है, पर अगर आपका 7 से कम है तो आप हमारे रेगुलर व्यूअर नहीं है, आप प्लीज़ रेगुलर हो जाइए। चलिए अब आते हैं दोस्तों हमारे आज के, अच्छा ये सब ऑलरेडी हम कर चुके हैं। चलिए अब आते हैं दोस्तों हमारे आज के 14th October द हिंदू एनालिसिस पे। ऑलराइट, और लेट्स जंप इनटू द फर्स्ट हेडलाइन। इंडियन इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी आपका बाय अ नेगेटिव 10.3% फॉर द करंट ईयर। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हिसाब से जो हमारा ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में रहेगा, एंड दैट विल बी एट नेगेटिव 10.3%। द नेम ऑफ द रिपोर्ट गाइज इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक फॉर October 2020। इस रिपोर्ट का टाइटल है आपका अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट असेंट। इस रिपोर्ट के अनुसार जो आपका एक इकोनॉमी हमारी है वो घटे वो गिरेगी आपकी एट अ नेगेटिव 10.3%। अगर हम बात करें अगले साल, मतलब जो आने वाला साल है, उसमें वी विल इंक्रीज एंड वी विल बाउंस बैक टू +5.2%। तो ये भी यहाँ पर कहा गया है कि अगले साल हम इकोनॉमी में बढ़त भी देखेंगे। पर अगर हम कंपेयर करें विद लीडिंग इकोनॉमीज, फॉर एग्जांपल यूएसए का इस साल रहेगा आपका नेगेटिव 4.3% और अगले साल रहेगा आपका 3.1% फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। सिमिलरली इंटरेस्टिंग बात है और जले पे नमक छिड़कने वाली बात है कि चाइना का इस साल रहेगा पॉजिटिव में, ये प्लस में है इस साल, और अगले साल रहेगा +8.2%। क्यों बुरा लगा ना, लगना चाहिए, बिकॉज द चाइनीज इकॉनमी विल परफॉर्म आउट परफॉर्म एवरी वन than before in the coming years। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आपका IMF दोस्तों कह रहा है। चलिए आगे बढ़ें। A day before yesterday guys, Kerala State Film Awards दिए गए। I am personally a very big fan of Kerala Awards and guys, मेरे को Kerala Awards के बारे में जानना था because a lot of great movies have come out of Kerala। So Kerala Award या फिर Malayalam cinema की जो movies हैं उनमें award दिए गए, जिनमें best film went to Vasanti which was directed by Rahman Brothers, best actress went to Kani Kusruti for Biryani, best director went to Leo Jose Pellicer for Jericho 2, best film with popular appeal and aesthetic value is Kumbhalangi Nights, the best movie of 2019-20, director is Madhu C. Narayan, best actor award went to Suraj Venjaramudu for Android Kunjappan version 5.25 and Vikruti। तो ये नाम याद रखिएगा, इतने ही आपको पढ़ने, इसके अलावा आपको ज़्यादा नाम यहाँ पर नहीं पढ़ने हैं। ऑलराइट, सो ऑल हेल द केरला स्टेट अवार्ड्स, उनके अवार्ड अभी आपके एक दिन पहले आपके दिए गए। ठीक है, कतरा कतरा समझ में आ गया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इंडिया हैज़ एन ऑनलाइन नेटवर्क कॉल्ड एज ईविन। ईविन स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ गाइज ईविन। Now, according to a new development, the vaccines to the people will be supplied via the EWIN network. जो EWIN है उसके ज़रिए अब जो वैक्सीन बनेगी उनकी सप्लाई दोस्तों की जाएगी। अगर हम EWIN की बात करें तो basically it's an online network of supply chain launched by the National Health Mission. इसका मेन मकसद है कि जो एक सप्लाई चेन, जो एक आपूर्ति श्रृंखला है उसको सब तक पहुँचाना। तो अब इसी पर्टिकुलर नेटवर्क में जो इसका फंक्शन है उसमें एक नया फंक्शन ऐड किया गया है, अ न्यू फंक्शन हैज बीन एडेड एंड दैट फंक्शन इज दैट नाउ द वैक्सीन एज एंड व्हेन कंप्लीटेड विल बी सप्लाइड टू द पीपल टू द स्टोर्स बाय ईविन। याद रहेगा सबको, यहाँ पर दो सवाल बनेंगे। पहला सवाल बनेगा विच वैक्सीन नेटवर्क विल सप्लाई वैक्सीन टू पीपल एंड कस्टमर्स, द आंसर इज ईविन। सेकेंड सवाल बनेगा एक्सपैंड द फुल फॉर्म ऑफ ईविन, द आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ये दो ही सवाल यहां पर आपके लिए बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ गाइस वी ऑल नो अबाउट एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसके बारे में आप सब जानते हैं। इट्स अ यूके बेस्ड एनजीओ एंड द रीजन व्हाई ये आपका न्यूज में था बिकॉज इट शट शॉप इन इंडिया। इंडिया में इसने अपना बिजनेस बंद करके ये वापस चला गया आपका यूके। उसका रीजन था बिकॉज इनके अकाउंट्स को क्लोज कर दिया गया था, ठीक है, इनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया था under the FCRA. Now what is FCRA? FCRA is Foreign Currency Foreign Contribution Regulation Act. I'll again repeat, Foreign Contribution Regulation Act of 2010. So guys, ab jo naya amendment aaya hai
अकॉर्ड ऑफ द FCRA, उस अमेंडमेंट के हिसाब से देर विल बी अ सिंगल ब्रांच जहाँ पर इंडिया के सारे NGO अपना अकाउंट ओपन करेंगे ताकि उनके अकाउंट्स को ऑडिट करने में, असेस करने में आसानी हो सके. आर अगेन रिपीट गाइज, एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट अंडर द FCRA ऑफ 2010, ओनली अ सिंगल SBI ब्रांच ऑफ दिल्ली विल बी अलाउड फॉर द NGOs टू ओपन द अकाउंट्स, ताकि ऑडिट करना या उनका एग्जामिनेशन करने में आसानी हो सके. स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, दिस ऑर्डर गाइज हैज़ बीन गिवन बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री. ऑर्डर क्या है आपका, ऑल NGOs सीकिंग फॉरन डोनेशंस टू ओपन अ डेजिग्नेटेड FCRA अकाउंट एट द SBI न्यू दिल्ली ब्रांच बाय March 31, 2021. 31 मार्च 2021 तक भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली शाखा में एक निर्दिष्ट FCRA खाता खोलने के लिए रेशी दान मांगने वालों को अलाउ किया गया है. मतलब उनके सारे अकाउंट्स अगले साल March 31 तक शुड बी ओपन्ड एट द SBI दिल्ली ब्रांच, कहीं और ओपन नहीं होंगे, एक ही ब्रांच होगा पूरे इंडिया में जहां पर इनको ओपन किया जाएगा. ये जो आपका ऑर्डर है ये मेंशन किया गया है अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2020, जिसको कि 9 सितंबर को आपका अमेंड किया गया था. अगर हम इंडिया की बात करें तो ओवरऑल इंडिया में जो आपके NGOs हैं उनकी संख्या है 22,434. तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनेंगे. सवाल पहला बनेगा दैट विच बैंक सिंगल ब्रांच विल बी अलाउड टू ओपन NGO अकाउंट्स. आंसर क्या होगा फटाफट दीजिएगा. आंसर है आपका SBI. क्वेश्चन नंबर 2, विच एक्ट इज कंसर्न विद द डोनेशन ऑफ NGOs. द आंसर इज FCRA, दैट इज फॉरन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. एंड क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा what आर द टोटल नंबर ऑफ NGOs. एंड द आंसर इज इट इज 22,434. 22,434 NGOs आपके दोस्तों यहाँ पर आपके ओवरऑल बनाए गए हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब जरा डिस्कस कर लेते हैं ये आपका जो अमेंडमेंट है बेसिकली है क्या. बेसिकली इस अमेंडमेंट में पब्लिक सर्वेंट्स को दोस्तों अलग किया गया है. द पब्लिक सर्वेंट्स कैन नॉट रिसीव फॉरन कंट्रीब्यूशंस. अब सवाल आता है व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय अ पब्लिक सर्वेंट. एक पब्लिक सर्वेंट से हम क्या समझें. अ पब्लिक सर्वेंट इज बेसिकली अ पर्सन वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट और गेटिंग पेइंग फॉर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट. एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार के अंदर काम कर रहा है या सरकार उसे अब काम करने के लिए पैसे दे रही है. दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अ पब्लिक सर्वेंट. सो पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट जॉब्स वाले लोग फॉरन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, नंबर 1. नंबर 2, जो पैसा बाहर से आया है उसको किसी दूसरे व्यक्ति को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो. द फंड्स हैव बीन प्रोहिबिटेड टू बी ट्रांसफर्ड टू एनी अदर पर्सन. एंड आधार नंबर होना मैंडेटरी है. और वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, अर्लियर क्या था कि जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस थे जैसे कि चाय पानी था या फिर ट्रैवल था, ये सब किसके पार्ट हैं आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के. अब पहले क्या था, 50% ऑफ द फंड्स कैन बी यूज अ मैक्सिमम इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, पर अब आपका 50% हटाकर 20% आपका कर दिया गया है. तो गाइज यहाँ पर आपके बनेंगे 3 सवाल. सवाल पहला बनेगा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ पीपल हैव बीन बैंड फ्रॉम रिसीविंग फॉरन कंट्रीब्यूशंस. द आंसर इज पब्लिक सर्वेंट्स. सेकेंड सवाल बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ID इज नेसेसरी फॉर ओपनिंग एन अकाउंट. अगर इंडिया में FCRA अकाउंट ओपन करना है तो कौन सा ID इंपॉर्टेंट है. द आंसर इज आधार कार्ड. एंड वॉट इज द परसेंटेज, वॉट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ यूजिंग द एक्सपेंसिव फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज. द आंसर इज 20%. पहले कितना था आपका, पहले आपका दोस्तों ये 50% था. गाइज कतरा कतरा समझ में आ रहा है, आप देखते जाना, धीरे धीरे इसी सेशन के अंदर जो लेवल है ना वो ग्रेडअप हो जाएगा. मतलब आप ग्रेडअप देख भी रहे हो और ये लेवल आपका ग्रेडअप हो जाएगा. मैं आखिरी बार आपसे कहूँगा, अभी अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं शेयर किया है प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. फटाफट वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक्स ओलंपियन चैम्पियन चार्ली मूर, उनकी फोटो आपके सामने दी गई है. ही हैज़ गाइज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91. He was a former 400 meter hurdles champion at the 1952 Helsinki Olympics. He also won a silver in Helsinki for US in the 4x400 meter relay team. And inka dosto hal hi mein aapka dehant ho gaya hai. Inka naam tha Charlie Moore. Ye ek former Olympic gold medalist hain in the 1952 Helsinki Olympics. Inka naam hai dosto aapka Charlie Moore. Aage badhte hain. अब दोस्तों आते हैं हमारे आज के 15 अक्टूबर के द हिंदू एनालिसिस में. और सबसे पहले बात करते हैं हम एक नए प्रोजेक्ट की. उस प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों आपका STARS स्टार्स. इसको फंड किया है पार्टली आपका वर्ल्ड बैंक ने. इस फंड का मेन मकसद है एजुकेशन सेक्टर को रिफॉर्म करना, रिसर्च को रिफॉर्म करना
और ओवरऑल स्कूल एजुकेशन को एक तरह से रिफॉर्म करना। तो इस स्टार्स प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। दिस अप्रूवल हैज़ बीन गिवन फॉर 6 states, 6 राज्यों में इसके लागू करने के लिए अप्रूवल दिया है कैबिनेट ने टू द स्टार्स प्रोजेक्ट। अब द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कि सर व्हाट इज स्टार्स। नाउ बेसिकली स्टार्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोजेक्ट। एक बार इसको प्लीज़ याद कर लेना हनुमान चालीसा की तरह, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोजेक्ट, ये इस प्रोजेक्ट का नाम है। इस प्रोजेक्ट को फंड किया है आपके वर्ल्ड बैंक ने। ओवरऑल इसका कॉस्ट है आपका 5,017 crores। इसका फोकस है गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन, इम्प्रूविंग डेटा असेसमेंट सिस्टम्स एट नेशनल लेवल और टीचिंग लर्निंग आउटकम्स। ये इसका दोस्तों फोकस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, स्कूली शिक्षा का प्रशासन, राष्ट्रीय स्तर पर डेटा और मूल्यांकन प्रणालियों के सुधार और साथ ही साथ शिक्षण और सीखने के परिणाम, ये इसके दोस्तों आपके मेन फोकस हैं। इनिशियली इसको 6 states में लागू किया जाएगा, हिमाचल, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और उड़ीसा। इसके अंदर there will be a national level assessment center, एक राष्ट्रीय स्तर का आपका एक मूल्यांकन केंद्र होगा। That assessment center will be called as PARAK, जिसका फुल फॉर्म है Performance Assessment Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development। और इसी तरीके से एक सिमिलर प्रोजेक्ट को ADB ने भी लॉन्च किया है, और ADB ने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है आपका फॉर गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और असम। मैं रिपीट फिर से कर दूँ आपके लिए गाइस, दैट स्टार्स प्रोजेक्ट को सरकार ने अप्रूवल दिया है। इसका बजट आपके सामने दिया हुआ है, 6 states में आपका लागू किया जाएगा। इसके अंदर एक नेशनल असेसमेंट सेंटर, हिंदी में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा, उसका नाम होगा PARAK, इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है। ऐसा ही एक सिमिलर प्रोजेक्ट ADB ने भी फंड किया है, जो बाकी 6 states मतलब गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और असम को कवर करेगा। तो याद रखिएगा कि स्टार्स प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। यहाँ पर पहला सवाल आपसे बनेगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। आंसर दीजिएगा फटाफट, द आंसर इज स्टार्स। क्वेश्चन 2 बनेगा, व्हाट डज टी स्टैंड फॉर इन स्टार्स प्रोजेक्ट। टी का फुल फॉर्म है आपका टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा, which multinational bank is funding stars, उसका आंसर होगा आपका वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा, हाउ मेनी स्टेट्स आर अंडर द स्टार्स प्रोजेक्ट, उसका आंसर आपका होगा 6 states आपके स्टार्स के अंदर आपके दोस्तों आते हैं। समझ में आ रहा है गाइस, कतरा क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की महिलाओं के लिए एक सौगात है, दे हैव बीन बेनिफिटेड बाय अ न्यू स्कीम दैट इज कॉल्ड एज बाय एन ओल्ड स्कीम कॉल्ड एज दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन प्रोवाइड्स रूरल एम्प्लॉयमेंट, इट प्रोवाइड्स रूरल बेनिफिट्स स्पेशली टू वुमेन। तो महिलाओं को के लिए आपकी एक योजना, उसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन। ये मिशन जो आपका है ये अब इनरेलीवेंट है, बिकॉज अब इम्पॉर्टेंट और हो गया है, बिकॉज जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख लेडीज हैव बीन एडेड टू दिस पर्टिकुलर स्कीम। कुछ टेक्निकल चेंज करके अब इस स्कीम के अंदर करीब 10,58,000 10.58 lakh वुमन हैव बीन एडेड गाइज, एंड दीज वुमन बिलोंग फ्रॉम द यूनियन टेरेटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। इसके लिए जो टोटल एलोकेशन हुआ है दैट इज 520 crores। तो याद रखिएगा कि नाउ 10.58 lakh वुमन फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हैव बीन एडेड टू द रूरल स्कीम कॉल्ड एज दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन। दे विल प्रोवाइड देम अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दे विल प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज बेनिफिट्स फॉर रूरल एरियाज, वो इस मिशन का यहाँ पर खास मकसद है। तो यहाँ पर पहला सवाल बनेगा गाइज, दैट विच यूनियन टेरेटरीज वुमन हैव बीन एडेड टू दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय जीविका मिशन। आंसर क्या होगा आपका, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी वुमन, आंसर क्या होगा आपका 10.58 lakh। क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा आपका, वॉट इज द एलोकेशन, द आंसर इज 520 crores, 520 crore rupees इसमें दोस्तों आपके लगाए गए हैं। याद रहेगा सबको, बहुत ही सिंपल खबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है रॉबर्ट डेस्ट्रो, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज रॉबर्ट ए डेस्ट्रो। ही वॉज टिल यस्टरडे द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द ब्यूरो ऑफ डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स एंड लेबर। आई कैन रिपीट, रॉबर्ट ए डेस्ट्रो जो थे वो असिस्टेंट सचिव थे ऑफ द ब्यूरो ऑफ डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स एंड लेबर इन द US, पर US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
माइक पोम्पियो साहब ने इनको अपॉइंट किया है एज द यूएस कोऑर्डिनेटर फॉर तिब्बतन इश्यूज। यूएस के जो आपके जो तिब्बतन जो तिब्बती मुद्दों के समन्वयक हैं यूएस की तरफ से, वो कौन बने हैं आपके? रॉबर्ट ए डेस्ट्रो। इनका मेन काम होगा कि ये एक सब्सटैंटिव डायलॉग, ये एक 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 इफेक्टिव बातचीत शुरू करवाएं आपकी चाइना और दलाई लामा के बीच। उसके लिए इनको अपॉइंट किया गया है। 2017 से दिस पोस्ट वॉज लाइंग वेकेंट। 2017 से इस पोस्ट पर कोई नहीं था, पर एकदम से ट्रंप साहब को, पम्प साहब को याद आया, एंड पोम्पियो साहब को याद आया, एंड नाउ दे हैव अपॉइंटेड अ स्पेशल कोऑर्डिनेटर फ्रॉम द यूएस फॉर तिब्बतन इश्यूज। तिब्बती मुद्दों के लिए इनको दोस्तों बनाया गया है आपका समन्वयक या कोऑर्डिनेटर का नाम है दोस्तों आपका रॉबर्ट ए डेस्ट्रो। याद रहेगा, चलिए सवाल मेरा पहला आपसे बनेगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ स्पेशल कोऑर्डिनेटर फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स? द आंसर इज रॉबर्ट ए डेस्ट्रो। क्वेश्चन नंबर टू, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज? द इशूज इज तिब्बतन इशूज। क्वेश्चन नंबर थ्री बनेगा, हु हैज अपॉइंटेड हिम? द आंसर इज कौन अपॉइंट किया, किसने अपॉइंट किया है इनको? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो साहब ने इनको अपॉइंट आपका किया है। यही तीन सवाल, यही तीन क्वेश्चंस यहाँ से आपके बनेंगे। एक और सवाल बन सकता है कि बाय एज इन सिंस विच ईयर वाज द पोस्ट लाइंग वेकेंट, किस साल से पोस्ट आपकी वेकेंट थी? आंसर है आपका 2017। चलिए आगे बढ़े, न्यूजीलैंड्स ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेस्ट क्रिकेटर जिनका नाम है आपका जॉन रीड हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92। John Reed played 58 test matches, scoring 3,428 runs with 6 centuries and taking 85 wickets, has passed away in New Zealand, guys. इनका नाम है आपका John Reed. ठीक है, सवाल एक ही बनेगा आपसे यहाँ पर, that John Reed was associated with sport, किस खेल से इनका संबंध था? उसका आंसर है आपका न्यूजीलैंड। एक और प्रश्न बनेगा आपका कि किस देश से आपके बिलोंग करते हैं जॉन रीड? उसका आंसर है आपका न्यूजीलैंड। यही दो सवाल आपके यहाँ पर बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं दोस्तों हमारे आज के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस में। जो लोग पहली बार आए हैं, पहली बार तो एक बार कमेंट कर देना, एवरीवन हु इज अ न्यू व्यूअर गिव मी अ थम्स अप, बिकॉज गाइस विश्वास मानो ये शो आपका बन जाएगा पैशन, ऑब्सेशन, एडिक्शन, ये मेरी गारंटी है आपसे। सो गाइस अब हम बात करेंगे PIB के बारे में। PIB स्टैंड्स फॉर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। जो भी सरकार करती है दिन भर में उसकी जानकारी आपको PIB मिलती है। एवरी अफेयर डन बाय द गवर्नमेंट, वेदर इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिफेंस, रेलवेज और एनी अदर मिनिस्ट्री, कोई भी काम सरकार करेगी उसकी जानकारी आपको PIB पर दोस्तों यहाँ पर दी जाएगी। मतलब यहाँ पर हाँ, तो गाइस नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द PIB एनालिसिस। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं, और ये रहा आपके सामने हमारे पहली हेडलाइन। मोदी जी प्रणाम, आप सबको प्रणाम। मोदी जी ने रिलीज़ किया है, ये रिलीज करेंगे 16 अक्टूबर को ₹75 कमोमरेटिव कॉइन टू मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ द फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, जो कि एक संगठन है जिसके 75 साल पूरे हो जाएंगे। टू मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ FAO, ₹75 कॉइन विल बी लॉन्च्ड बाय मिस्टर मोदी। दिस कॉइन, अच्छा, इसी दिन ऑन द वेरी सेम डे ही विल ऑल्सो लॉन्च 17 रिसेंटली डेवलप्ड बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स ऑफ इस दिन वो 17 आपकी वैरायटी करेंगे 8 क्रॉप्स की जिन्हें बायो फोर्टिफिकेशन से डेवलप किया गया है। अब एक सवाल बनेगा कि सर व्हाट इज बेसिकली बायो फोर्टिफिकेशन, तो आइए एक बार देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने। देखिए, बायो फोर्टिफिकेशन इज द आइडिया ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप टू इंक्रीज न्यूट्रिशन वैल्यू। कैसे हम क्रॉप्स को डेवलप करें जिससे कि उनका जो ब्रीडिंग है, जिससे कि उनका न्यूट्रिशन वैल्यू है वो आपका बढ़ जाए। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मिस्टर मोदी जी 17 बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स, 17 वराइटीज ऑफ 8 क्रॉप्स विल बी लॉन्च्ड जो कि बायो फोर्टिफाइड होंगे। इसका मतलब ये होगा कि वो ऐसे वरायटी होंगे जिनके जो न्यूट्रिशन है उसको दोस्तों आपका एनहैंस कर दिया गया है। ठीक है, तो उसको भी मोदी जी जो हैं वो आपका लॉन्च करने वाले हैं, याद रहेगा सबको। अच्छा, अब आइए जरा डिस्कस कर लेते हैं कि ये FAO है क्या। देखिए, FAO इज़ अ बॉडी वर्किंग अंडर द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। इट इज़ अ बॉडी विच इज़ फोकसिंग ऑन 3 इशूज, हंगर, भुखमरी, न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी, ताकि सबको खाना मिल सके। तो ये 3 मुद्दों पर आपकी FAO वर्क करती है। FAO was established on 16th October 1945.
हेडक्वार्टर्स इसके रोम इटली में है और डायरेक्टर जनरल यहाँ के हैं आपके कू डोंगयू, ये यहाँ के आपके डायरेक्टर जनरल हैं। ओवरऑल मेंबर्स, ओवरऑल कंट्रीज जो मेंबर हैं आपके एफएओ के, वो मेंबर हैं आपके 197। सो देर आर 197 मेंबर्स बेस्ड आउट ऑफ रोम इटली एंड 16th October 1945 इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एंड मिस्टर कू डोंगयू इज द करेंट हेड ऑफ एफएओ। अब यहाँ पर मेरा पहला सवाल आपसे बनेगा गाइस, पहला बनेगा 75 रुपी कमेमोरेटिव कॉइन विल बी लॉन्च्ड इन द लॉन्च्ड फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन, आंसर है आपका एफएओ। सवाल सेकंड बनेगा आपसे, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ एफएओ, द आंसर इज रोम। हाउ मेनी वराइटीज ऑफ 8 क्रॉप्स विल बी लॉन्च्ड, द आंसर इज 17। तो ये 3-4 सवाल आपके यहाँ पर बनेंगे, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों 3 मुद्दों पर अभी हाल ही में MOU साइन किया है। द फर्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटी बिल्डिंग, द सेकेंड टॉपिक इज रिसर्च डेवलपमेंट, द थर्ड टॉपिक इज सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। अब पहला सवाल बनेगा आपसे कि वॉट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कैपेसिटी मैनेजमेंट, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। गाइस कैपेसिटी बिल्डिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस बाय विच individuals, organizations obtain, improve and retain the skills, knowledge, tools, equipments and the resources needed to do the jobs completely. Basically एक ऐसा प्रक्रिया है जहाँ पर संगठन और उस कंपनी के लोग मिलकर अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, अपने स्किल्स को रिटेन करते हैं, नॉलेज को बढ़ाते हैं और उस जॉब को बेहतर करने के लिए कई तरह के स्किल्स को करते हैं। सो बेसिकली जब एक कंपनी आपकी ट्रेनिंग देती है या जब कंपनी आपका स्किल्स देती है तो वो सब किसका पार्ट है, ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ दी कैपेसिटी बिल्डिंग। तो कैपेसिटी बिल्डिंग में नंबर 1, नंबर 2 रिसर्च डेवलपमेंट में और नंबर 3 आपका ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में आपका अग्रीमेंट जो है ये किया गया है। इस अग्रीमेंट को किया है आपके सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने, ये इंडिया की तरफ से किया है और फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया साइड द अग्रीमेंट हैज़ बीन डन बाय मारवी पार्टनर्स, जहाँ पर मारवी का फुल फॉर्म है मैनेजिंग एक्विफर रिचार्ज एंड सस्टेनिंग ग्राउंड वाटर यूज थ्रू विलेज लेवल इंटरवेंशन पार्टनर्स। तो ये इनके साथ हुआ है। तो मारवी पार्टनर्स और CGWB सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने इस अग्रीमेंट को दोस्तों किया है 3 मुद्दों पर, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च डेवलपमेंट और सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। सबको समझ में आ गया, कतरा कतरा क्लियर हो रहा है, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा यस सर यस सर यस सर हमें समझ में आ रहा है। इंडिया और फ्रांस हैव बीन रीएलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट ऑफ द ISA, अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रेसिडेंट फिर से बना है इंडिया और फिर से इसका को प्रेसिडेंट बना है आपका फ्रांस। दे हैव बीन अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर्स। इंडिया की तरफ से जो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है द पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर RK Singh जी, जो कि आरा बिहार से आपके सांसद हैं। एंड फ्रॉम द फ्रेंच साइड द लेडी हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द को प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली गाइज इज बारबरा पोम्पिली, शी इज़ द करेंट मिनिस्टर ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन इन फ्रांस। तो रिपीट फिर से कर दूंगा गाइस, ISA के प्रेसिडेंट बने हैं मिस्टर RK Singh इंडिया की तरफ से, जो कि इंडिया फिर से बना 2 साल के लिए, और बने हैं को प्रेसिडेंट आपके फ्रांस और उनकी तरफ से बनी है बारबरा पोम्पिली, याद रहेगा आपको। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों ISA के बारे में, ISA बेसिकली इज एन अलायंस ऑफ 121 कंट्रीज जिसको कि इंडिया ने शुरू किया है। इस 121 कंट्रीज में मेजॉरिटी कंट्रीज जो हैं दीज आर द सनशाइन कंट्रीज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब सनशाइन कंट्रीज होती क्या हैं, कंट्रीज जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर या पार्टली उसके अंदर रहती हैं, कंट्रीज विच लाई इधर कंप्लीटली और पार्टली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। बट अब ये जो नंबर ऑफ कंट्रीज हैं आपकी उनमें बाकी उन कंट्रीज को भी न्योता दिया गया है, ऑल अदर कंट्रीज हैव बीन अपॉइंटेड हैव आल्सो बीन इनवाइटेड, बट मेजरली जो कंट्रीज आपकी मेंबर हैं ISA की, तो उस कंट्रीज गाइस आर द सनशाइन कंट्रीज जो कि इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच आपकी जो कंट्रीज आती हैं जिसमें इंडिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है, उन कंट्रीज को इसमें ऐड किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट 1000 GW कैपेसिटी ऑफ सोलर एनर्जी एज वेल एज टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन सोलर एनर्जी अप टू $1000 बिलियन US डॉलर्स बाय 2030।
2030 तक 1000 गीगावाट की बिजली और 1000 बिलियन US डॉलर्स का एक इन्वेस्टमेंट, ये एक सपना है आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। रिसेंटली अभी ISA ने ऑब्जर्व किया था दी वर्ल्ड टेक्नोलॉजी समिट, जो कि वर्चुअली आपको ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें 149 कंट्रीज ने दोस्तों आपका जो है वो पार्टिसिपेट किया था, उस वजह से भी आपका ISA न्यूज़ में था। ISA's हेडक्वार्टर्स गाइस आर इन गुरुग्राम हरियाणा, वहाँ पर इसके आपके दोस्तों जो हैं वो आपके मुख्यालय हैं। याद रहेगा सबको, सबको समझ में आ गया। एक और सवाल आपसे बनेगा गाइस कि कौन सा कंट्री आपका लेटेस्ट मेंबर ISA का, तो जो कंट्री आपका लेटेस्ट मेंबर है उसका नाम है दोस्तों आपका निकारागुआ। क्या नाम है उसका? निकारागुआ। एक मेरा सवाल आपसे दोस्तों है, सबसे पहले आपको वीडियो दिख रहा है, आपको ऑडियो सुनाई दे रहा है, एंड आर यू ऑल लविंग द सेशन, प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, फटाफट प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड मेक्सिकोज फिफ्थ मीटिंग बेस्ड ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड कोऑपरेशन वॉज ऑब्जर्व रिसेंटली। अभी हाल ही में जो पांचवी मीटिंग थी इंडिया मेक्सिको की रिगार्डिंग ट्रेड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन वो अभी हाल ही में हुआ। इसी मौके पे दे ऑल्सो ऑब्जर्व द 70th एनिवर्सरी ऑफ रिलेशंस ऑफ मेक्सिको विद इंडिया। भारत मेक्सिको रिलेशंस को अब 70 साल हो गए हैं, जो कि 1 अगस्त को हो गए थे, उसको भी इस दिन आपका बताया गया। ऑन इन दिस पर्टिकुलर मीटिंग 2 MOUs को साइन किया गया। MOU स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हिंदी में समझौता ज्ञापन। द फर्स्ट वन वॉज रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड टेलीकम्युनिकेशंस, एंड सेकेंड वन वॉज रिगार्डिंग IT फॉरन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो 2 MOUs पे आपका साइन किया गया बिटवीन इंडिया एंड मेक्सिको। याद रखिएगा सवाल एक ही बनेगा आपसे यहाँ पर। द फिफ्थ मीटिंग ऑफ अ हाई लेवल ग्रुप ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? द आंसर इज आपका क्या होगा? मेहिको। इसको मेहिको कहते हैं वैसे मेक्सिको में, बट हम क्या कहेंगे? मेक्सिको। नंबर वन। नंबर टू, विच कंट्री सेलिब्रेटेड 70th एनिवर्सरी ऑफ इट्स रिलेशन विद इंडिया? आंसर क्या होगा आपका? मेहिको या फिर आपका मेक्सिको। और एक और सवाल बनेगा, हाउ मेनी MOUs डिड इंडिया साइन इन दिस पर्टिकुलर मीटिंग? द आंसर विल बी 2। 2 अग्रीमेंट्स को यहाँ पर आपका साइन किया गया। अब आइए जरा डिस्कस कर लेते हैं हम मेक्सिको के बारे में। ये रहा आपके सामने मेक्सिको का शहर। मेक्सिको के शहर पे ये जो एरिया है, इस एरिया पर ट्रंप साहब ने कहा है कि वो क्या बनाएंगे, वो एक बनाएंगे वॉल बनाएंगे, पर अभी तक ये वॉल बनी नहीं है। पर ये एक सपना है आपके पम बाबा का कि ही विल सेटअप अ वॉल अराउंड मेक्सिको। एक तो ये अपडेट है। सेकेंड, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इस कंट्रीज़ में कुछ कंट्रीज जो कि काफ़ी रेलिवेंट हैं, जैसे कि आपका ग्वातेमाला, होंडुरस और एल साल्वाडोर। अगर हम बात करें ग्वातेमाले का, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा इसका कंट्री कैपिटल, बिकॉज ये कंट्री रेलिवेंट है, एग्जाम में कई बार आती है। ग्वातेमाला की बात करें तो ग्वातेमाले का कैपिटल जो है दैट इज़ ग्वातेमाला सिटी, और यहाँ की जो दोस्तों करेंसी है ग्वातेमाला की दैट इज़ आपका क्वेट्ज़ाल। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, SSC, बैंक, रेलवे, UPSC, डिफेंस, टीचिंग में आपका सवाल आता है। फिर नेक्स्ट कंट्री जो है आपकी दैट इज़ हंडुरस और होंडुरास, जैसा आप नाम ले लीजिए आपको याद करना पड़ेगा इसका कैपिटल करेंसी। इसका कैपिटल दोस्तों जो है बड़ा ही अजीब सा नाम है इसका कैपिटल का। इसका कैपिटल का दोस्तों जो नाम है दैट इज़ तेगुसीगाइपा, ये इसी कैपिटल का नाम है, बड़ा अजीब सा नाम है तेगुसीगाइपा, ये इस कैपिटल का नाम है। और इसकी जो करेंसी दोस्तों है दैट इज़ लेम्पीरा, बड़ा ही अजीब नाम है। तेगुसीगाइपा इज़ द नेम ऑफ द कैपिटल एंड लेम्पीरा गाइस इज़ द नेम ऑफ द करेंसी। और आखिरी में दोस्तों आपका आता है एल सेल्वाडोर। तो अगर हम बात करें एल सेल्वाडोर की, ये भी रेलेवेंट है, एल सेल्वाडोर की बात करें तो एल सेल्वाडोर सेंट्रल अमेरिकन कंट्री बन सकेंगे। ओके, मैं रिपीट फिर से कर दूंगा आपके लिए, अब पफिंग हट गया होगा। ओके, आई अगेन रिपीट, होंडुरास कैपिटल गाइस, ग्वातेमालास कैपिटल गाइस ग्वातेमाला सिटी, द करेंसी इज क्वेट्ज़ाल, होंडुरास कैपिटल गाइस इज तेगुसीगाइपा एंड द करेंसी इज लेम्पीरा। सिमिलरली गाइज एल सेल्वाडोर की बात करें तो एल सेल्वाडोर का कैपिटल है आपका सैन सेल्वाडोर और करेंसी आपकी है US डॉलर। याद रहेगा सबको, एवरीवन कमेंट कर दीजिएगा यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, हमें याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC, आई एम प्रिटी सर्टन ये नाम आपने सुना होगा,
ये नाम इसलिए फेमस है बिकॉज भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था परम, उसको सीडैक ने बनाया था। सीडैक पुणे हैज लॉन्च्ड अ न्यू फैसिलिटी कॉल्ड एज एक्वापोनिक्स। आई कैन रिपीट, दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू फैसिलिटी कॉल्ड एज एक्वापोनिक्स। एक्वापोनिक्स जो है, इट हैज बीन लॉन्च्ड इन द गुरु अंगद देव वेटनरी यूनिवर्सिटी इन लुधियाना। जो गुरु अंगद देव संगठन यूनिवर्सिटी है लुधियाना में, वहाँ पर इस फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है। दिस फैसिलिटी इज 100% ऑर्गेनिक, जमीन कम लेती है और एंड इट कंज्यूम्स 90% लेस वाटर। इस फैसिलिटी को सीडैक ने गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी लुधियाना में लॉन्च किया है। सवाल यहाँ पर पहला बनेगा दैट विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड अ एक्वापोनिक फैसिलिटी इन गुरु अंगद देव वेटनरी यूनिवर्सिटी। आंसर क्या होगा आपका, सीडैक मोहाली नंबर वन। नंबर टू, इन विच यूनिवर्सिटी हैज सीडैक लॉन्च्ड अ एक्वापोनिक फैसिलिटी। द आंसर इज गुरु अंगद देव वेटनरी यूनिवर्सिटी लुधियाना। दो सवाल बनेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये दो सवाल बनेंगे और आपको बाकी जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं आपको यहीं पर रोक देंगे, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द हेडलाइन। मेरा मकसद है कि आप हेडलाइन को समझें, क्योंकि मेरा नाम क्या है गाइस, श्री श्री 1008 कुछ सर। तो आइए मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं गाइस, दिस इज द एक्वापोनिक सिस्टम, जहाँ पर ये एक क्लोज सिस्टम है, जहाँ पर ऊपर आपका वेजिटेबल्स बनाए जाएंगे और नीचे आपका फिशेस को रखा जाएगा। सो बेसिकली इट इज़ अ सिस्टम विच यूजेस द हाइड्रोपोनिक्स सॉइललेस एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। अब सवाल बना, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? हाइड्रोपोनिक्स इज अ मेथड जहाँ पर प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं इन अ वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन। एक ऐसा प्रक्रिया जहाँ पर प्लांट्स को हम सॉइल पर नहीं ग्रो करते हैं, हम कहाँ ग्रो करते हैं, एक ऐसे सिस्टम में जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से और वाटर के माध्यम से हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट क्या है? यहाँ पर न्यूट्रिएंट आपका है दोस्तों नाइट्रेट, ठीक है? तो आप स्क्रीन पर देखिएगा कि यहाँ पर जब हम फिशेस को यहाँ पर जब पालेंगे, व्हेन फिशेस को हम ब्रीड करेंगे, तो यहाँ से आपका निकलेगा आपका एक आपका निकलेगा यहाँ से आपका नाइट्रेट। वो नाइट्रेट आपका एज अ मैन्योर, एज अ बैक्टीरिया काम करेगा फॉर द प्लांट्स, जिनसे प्लांट्स ग्रो करेंगे। और ऑटोमेटिकली जब ये प्लांट्स पानी वापस लाएंगे तो इस पानी का इस्तेमाल आपका फिर से फिशेस को ब्रीड करने में आपका किया जाएगा। ये जो आपकी ब्रीडिंग हो रही है ना फिशेस की, दिस पर्टिकुलर ब्रीडिंग इज कॉल्ड एज एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर क्या होता है? ब्रीडिंग, रेजिंग एंड हार्वेस्टिंग फिश एंड एक्वाटिक प्लांट्स। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में, एक ही पर्टिकुलर पूरे सिस्टम में आपका एक्वाकल्चर भी हो रहा है और आपका हाइड्रोपोनिक्स भी हो रहा है। आपके वेजिटेबल्स, आपके प्लांट्स भी ग्रो हो रहे हैं और आपका फिशेस को भी हम ब्रीड कर रहे हैं। सो अ सिस्टम, अ क्लोज सिस्टम विच डज नॉट यूज सॉइल, विच ओनली यूजेज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर डेवलपिंग नॉट ओनली द वेजिटेबल्स प्लांट्स बट ऑल्सो द ब्रीडिंग ऑफ फिशेज, सच अ सिस्टम इज कॉल्ड एज आपका एक्वापोनिक सिस्टम। सबको समझ में आ गया गाइस? एक बार कमेंट कर दीजिएगा यस सर। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा लगता है रियल लाइफ में, जहाँ पर यहाँ पर इस नीचे पार्ट पे आपकी हो रही है ब्रीडिंग। इसी पार्ट से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो आपका एक पाइप है, इससे पानी जा रहा है ऊपर, यहाँ पर इनको मिल रहा है, क्या मिल रहा है इनको? इनको एक तो मिल रहा है वाटर और दूसरा क्या मिल रहा है इनको? नाइट्रेट मिल रहा है, दैट इज अमोनिया। अमोनिया क्या होता है आपका? अमोनिया इज रिच फॉर मैन्योर। और फिर ये पानी वापस कहाँ जा रहा है? इसी के अंदर, और फ्रेश वाटर मिल रहा है और यहाँ पर फिशेज आपकी होनी है। कतरा कतरा समझ में आ गया? एक बार कमेंट कर दीजिएगा यस सर, वी हैव अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सीडैक की बात फिर से करते हैं। द रीजन वाई, बिकॉज सीडैक ने अग्रीमेंट किया है भारत के नामी गिरामी R&D इंस्टीट्यूशंस के साथ, और अग्रीमेंट आपका दोस्तों हुआ है फॉर डेवलपिंग रिसर्च डेवलपमेंट इन द कंट्री। भारत में R&D को बढ़ाने के लिए आपका दोस्तों जो है, इसको दोस्तों ये आपका लॉन्च किया गया है, एंड दैट हैज बीन लॉन्च गाइज बाय सीडैक। अच्छा, अब हम यहाँ, अगर हम यहाँ पर बात करें सीडैक के बारे में, अगर हम यहाँ पर सीडैक की बात करें दोस्तों, तो सीडैक जो है उसने अग्रीमेंट किया है आपका विद इंडिया के लीडिंग R&D बॉडीज से फॉर डेवलपिंग R&D फॉर सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के लिए या सुपर कंप्यूटिंग के लिए ये आपका अग्रीमेंट किया गया है। अब एक बार बार सवाल बनता है कि सर सुपर कंप्यूटर होता क्या है? सुपर कंप्यूटर इज बेसिकली अ मेगा कंप्यूटर विच इज़ यूज फॉर परफॉर्मिंग मिलियन ऑपरेशंस।
कई मिलियन ऑपरेशंस को करने के लिए एक सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, एक आपके सामने इमेज दी गई है। ये इमेज आपकी बेसिकली है इंडिया के टॉप 5 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स की, जिनमें सबसे फास्टेस्ट आपका जो है दैट इज प्रत्युष, जो कि आपका है इन आई आई टी एम इंडिया में। सेकेंड है आपका मिहिर, जो कि है आपका नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग इंडिया में। थर्ड है आपका इंकवान, जो कि आपका है सॉफ्टवेयर कंपनी इंडिया में बेस्ड। और सर्क जो है, जिसका फुल फॉर्म है सुपर कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, ये भी आपका IISc इंडिया में बेस्ड है। और आखिरी आपका आई डेटाप्लेक्स, जो कि आपका सेटअप हुआ है IITM इंडिया के अंदर। तो ये 5 आप सुपर कंप्यूटर्स हैं इंडिया के जो फास्टेस्ट हैं। सबसे पहला कंप्यूटर आपका जो है उसका नाम है आपका परम, जो कि CDAC डेवलप किया था आपका, विच वॉज डेवलप्ड बाई CDAC इन 1991। और उसके बाद ये आपके जो 5 है दीज आर द फास्टेस्ट, जिनमें सबसे फास्टेस्ट आपका जो है दैट इज प्रत्युष, जो कि आपका है 4006.2 टेराफ्लॉप पर सेकेंड। दुनिया का सबसे जो तेज सुपर कंप्यूटर है वो आपका USA में है, वो भी नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। सर, फास्टेस्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड गाइज इज इन द US, ठीक है, जिसमें करीब 18,000 टेराफ्लॉप है। पर इंडिया का जो फास्टेस्ट है वो आपका दोस्तों प्रत्युष है, ठीक है, याद रहेगा सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आते हैं हमारे आज के ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ पर, और ये रही आपके सामने पहली खबर। इंडिया ने कंट्रीब्यूट किए हैं $1 मिलियन टू दी UNRWA, और ये कंट्रीब्यूशन किया गया है फॉर दी पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज, जो पैलेस्टीनियन के शरणार्थी हैं उनके लिए $1 मिलियन इंडिया ने दिए हैं। UNRWA बेसिकली स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। इस एजेंसी का मेन मकसद है टू प्रोवाइड रिलीफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट टू द पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज, जो पैलेस्टीनियन शरणार्थी हैं उनको रिलीफ देने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए ये एजेंसी बनी है। दिस इज़ दी ओनली एजेंसी विच हैज़ बीन फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक इशू। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी एजेंसी है जो एक स्पेसिफिक एरिया के लिए बनी है, ठीक है। और ये एजेंसी आपकी बनी है फॉर दोज पीपल जो शरणार्थी बन गए थे आफ्टर दी 1948 वॉर बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीन। ये वॉर आपकी हुई थी दोस्तों आपकी 48 में, जिसके बाद 1949 में ये आपका बनाया गया था। इस एजेंसी के हेडक्वार्टर्स हैं आपके अम्मान जॉर्डन में, और इसके कमिश्नर जनरल हैं आपके फिलिप लजारनी। UN इसको देखती है, और यहाँ पर अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो प्लीज़ गो थ्रू दी 1948 अरब इसराइली वॉर। इस वॉर के बाद जब इसराइल ने बाकी बड़ा एरिया ले लिया था एंड थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस वर लेफ्ट टू फेच फॉर देमसेल्व्स, तो उनके लिए UNRWA को आपको बनाया गया। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन है आपका आपका वेस्ट बैंक का, आपका इसराइल का, जॉर्डन का, लेबनान का, सीरिया का, ये जो आपका रीजन है, इस रीजन में जो रिलीफ वर्क है उसको प्रोवाइड करने के लिए आपका UNRWA को बनाया गया। किसके लिए बनाया गया है? फॉर रिलीफ वर्क इन लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक, इसराइल एंड जॉर्डन, उस एरिया के डेवलपमेंट, एंड ऑल्सो फॉर गाजा स्ट्रिप, जो कि आपका इजिप्ट और इसराइल के बीच का इशू, इसमें इस एरिया में रिलीफ के लिए आपका इसको बनाया गया है। समझ में आ गया आप सबको? कमेंट कर दीजिएगा यस सर, यस सर, यस सर, हमें समझ में आ गया। बाकी अगर आपको पढ़ना है तो कुछ नहीं करना है आपको, ये PDF में आप क्या करना पड़ेगा, PDF में आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा और आपके सामने खुल जाएगा अबाउट दी 1948 इसराइल अरब इसराइल वॉर, जो कि आपकी हुई थी पैलेस्टीनियन वॉर के नाम से फेमस है। और ये वॉर आपकी ख़त्म हुई थी आपकी 1948 में, जब इसराइल ने अपने इंडिपेंडेंस को अचीव कर लिया था। तो ये वॉर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसी वॉर के बाद इसराइल जो है वो आपका एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर आपका दोस्तों जो है वो शामिल हो गया था। समझ में आ गया सबको? तो गाइज देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाइज, आपको कहीं भी नहीं जाना है, मैं रिपीट फिर से कर रहा हूँ। इस सेशन को लगातार शेयर करते रहो, हमारा टारगेट है 1000 लाइव व्यूअर्स का बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, उसको हमें अचीव करने दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं दोस्तों हमारे अगले खबर पे। नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा इस साल नवंबर 24-25 में। दिस फेस्टिवल गाइस इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन मेघालय में ये फेस्टिवल आपका ऑब्जर्व किया जाएगा। ये फेस्टिवल में होता क्या है? इन दिस फेस्टिवल डांस इज परफॉर्म टू अपीज द गॉडेस का ब्लेई सेंसर, एंड उस गॉडेस को अपीज करने के लिए ये फेस्टिवल होता है। और ये फेस्टिवल आपका स्मिथ, एक जगह है आपकी खासी हिल्स में, वहाँ पर ये फेस्टिवल आपका दोस्तों जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। वहाँ पर इस फेस्टिवल को दोस्तों हम जो है वो मनाते हैं। तो नोंगक्रेम फेस्टिवल जो है दैट इज़ ऑब्जर्व गाइज एवरी ईयर इन मेघालय में इस फेस्टिवल को दोस्तों जो है हम ऑब्जर्व करते हैं।
ऐसा नहीं होता जैसा ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं डांस होता है, ऐसा ऐसा डांस तो मैं करता हूँ रजनीकांत टाइप, पर ये फेस्टिवल आपके में बहुत ही ट्रेडिशनल डांस आपका होता है जो कि मेघालय में आपका दोस्तों जो ऑर्गेनाइज किया जाता है। कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है आपका? खासी हिल्स में इन दी स्मिथ रीजन, जो कि आपका कल्चरल सेंटर है आपका खासी हिल्स का। अब मैं रिपीट फिर से करूँगा गाइस, कोई और होता ये आपको पढ़ाता और चला जाता, बोलता यार बहुत हो गया, पर क्योंकि मैं आप चाहता हूँ दैट यू अचीव सक्सेस इन एवरी एग्जामिनेशन, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि वो बाकी आपके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स कौन से हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला फेस्टिवल है आपका असम का अंबुबाशी फेस्टिवल, बोहाग बिहू, बैशागु, माजुली, देहिंग पटकाई और प्रगज्योति डांस फेस्टिवल। इनमें से अभी हाल ही में आपका बिहू बोहाग बिहू फेस्टिवल आपका हो रहा है। मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर है आपका याओशांग और चवांगकट। मेघालय में आपका है नोंगक्रैम, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बांग्ला बॉब डिलन फेस्टिवल एंड अहाइया फेस्टिवल। मिजोरम में आपका है चापचार कूट फेस्टिवल। नागालैंड हैज़ हॉर्नबिल फेस्टिवल एंड मोआत्सु फेस्टिवल। सिक्किम हैज़ सगा दवा एज वेल एज फांग लाप्सो फेस्टिवल। त्रिपुरा हैज़ खर्ची पूजा एज वेल एज यहाँ पर पहली बार आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल कराया गया। ऑल राइट जी, और बाकी हाँ जी जी बाकी आप यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ठीक है इस बाकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बचा कौन सा आपका? हाँ बचा आपका अरुणाचल। अरुणाचल में आपका होता है सोलंग, लुसार, मुरुंग, रेह, मोपिन, बूरी, बूट और मोनपा। समझ में आ गया आप सबको गाइस? एक बार कमेंट कर दीजिएगा यस सर यस सर यस सर यस सर, समझ में हमें आ गया, ठीक है गाइस। यहाँ पर सवाल बनेगा पहला आपसे कि नोंगक्रैम फेस्टिवल कहाँ होता है, द आंसर इज आपका मेघालय। सवाल सेकंड बनेगा आपसे कि ये फेस्टिवल आपका कहाँ पर होता है, होता है आपका खासी हिल्स में। बाकी सवाल आपके इससे तो बनते ही बनते हैं, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। The MSME Ministry has introduced artificial intelligence and machine learning feature on the Champions Portal. जो आपका Champions Portal है उस पर जो MSME Ministry है उसने दोस्तों एक AI और एक मशीन लर्निंग का फीचर आपका लॉन्च किया है। This feature guys has been launched by the Champions Portal. This feature guys has been launched by the MSME Ministry. जो फीचर आपका है इसको लॉन्च किया गया है अंडर द चैंपियंस पोर्टल, और ये फीचर आपका अवेलेबल होगा टू ऑल दी 69 लोकेशंस ऑफ द टू ऑल 69 लोकेशंस ऑफ द चैंपियंस पोर्टल। यहाँ पर ये फीचर आपका जो है वो सबके लिए आपका लागू किया जाएगा। बेसिकली इस फीचर का मेन कंसेप्ट है कि रियल टाइम बेसिस पर जो डिफरेंट मुद्दे हैं MSMEs के उनको एनकाउंटर करना। सो बेसिकली टू हेल्प रियल टाइम इशूज ऑफ MSMEs बेस्ड ऑन सोशल मीडिया एज वेल एज ऑनलाइन डेटा, उसके लिए AI और आपका जो ये फीचर है उसको दोस्तों आपका लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है आपका? ये चैंपियंस पोर्टल पर आपका ये दोस्तों जो है वो लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें चैंपियंस पोर्टल की तो मैं चाहूँगा प्लीज़ एवरीवन प्लीज़ गो थ्रू द चैंपियंस पोर्टल फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ये फुल फॉर्म प्लीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ठीक है। बेसिकली चैंपियंस पोर्टल जो है ये आपका एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रोल रूम सेंटर है, जहाँ पर इसका मेन मकसद है टू मेक द MSMEs लीड इनटू ग्लोबल लेवल कंपनीज, MSMEs को ग्लोबल लेवल पर ले जाना, ये इसका मेन फंक्शन है। इसके फोकस क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? सपोर्टिंग द MSMEs, एक्सप्लोरिंग न्यू MSMEs एंड प्रमोटिंग प्रोमिसिंग MSMEs। मैं भी फिर से कर दूँ, सपोर्टिंग एग्जिस्टिंग MSMEs, एक्सप्लोरिंग न्यू MSMEs एंड बेसिकली प्रमोटिंग आपका इमर्जिंग MSMEs, ये इसका एक अहम फोकस है आपका, ठीक है, इस बात को यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके अब एक गाइस एक वर्ड होता है आपका स्मेल्टिंग। कितने लोग को पता है स्मेल्टिंग के बारे में? हाउ मेनी ऑफ यू हैव आइडिया अबाउट स्मेल्टिंग? देखिए स्मेल्टिंग का मतलब होता है जब हम एक मेटल को, जब हम एक सब्सटेंस को इतना ज़्यादा गर्म कर दें कि उससे जो मेटल है वो निकल जाए। स्मेल्टिंग द प्रोसेस बाय विच अ मेटल इज ऑब्टेन्ड एट अ टेम्परेचर बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इट्स ओर। एक ओर से, एक सब्सटेंस से हम इतना ज़्यादा उसको हीट कर दें जिससे उससे मेटल निकल जाए। तो इंडी दो दुनिया का सबसे बड़ा जो जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट है, दैट प्रोजेक्ट गाइज विल बी लॉन्च इन गुजरात। गुजरात राज्य में आपका जो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट है वो कहाँ बन रहा है आपका? गुजरात में। दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड्स बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट विल बी सेटअप इन दोसावाड़ा इन द तापी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात।
इसके लिए द गवर्नमेंट हैज साइन एन MOU विद वेदांता ग्रुप और आने वाले 36 मंथ में इसका फेज वन आपका कंप्लीट हो जाएगा एंड इसका जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ में आपका ये जो है वो बनेगा। तो यहाँ पर सवाल बनेगा पहला आपसे दैट द वर्ल्ड बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट कहाँ बनेगा आपका, गुजरात में नंबर वन, नंबर टू कौन बना रहा है आपका, वेदांता, नंबर थ्री इन हाउ मेनी मंथ, 36 मंथ, नंबर फोर व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट इज 10,000 करोड़, याद रहेगा सबको। ओके अब क्योंकि हम गुजरात की बात कर रहे हैं आइए जरा गुजरात के बारे में बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने गाइस, गुजरात कैपिटल गाइस इज गांधीनगर, ये कैपिटल है गुजरात का। यहाँ के CM हैं आपके श्री विजय रूपानी, ये यहाँ के CM हैं आपके। नेशनल पार्क यहाँ के हैं आपके गीर, ब्लैकबक, मरीन और वंसदा, ये यहाँ के नेशनल पार्क हैं। यहाँ का हेरिटेज साइट आपका जो है दैट इज चंपानेर, चंपानेर यहाँ का दोस्तों जो है वो आपका हेरिटेज साइट है। यहाँ की बर्ड सेंचुरी है आपकी गागा, कच्छ, नल सरोवर, पोरबंदर और थोल। यहाँ का डैम्स है सरदार सरोवर, उकाई, दंतीवाड़ा, कदना और धरोई। फोक डांसर यहाँ के हैं गरबा, डांडिया, पधार और भावी। मेजर पोर्ट यहाँ पर है कांडला पोर्ट। पावर प्लांट में यहाँ पर है कवास, कच्छ, मुंद्रा, सिक्का, वनकोबरी, धुबरन एंड ककरापार। मिनरल्स यहाँ पर हैं आपके बॉक्साइट, डोलोमाइट, जिप्सम, लाइमस्टोन। स्पेशल यहाँ पर हैं आपके गरबा, मोधेरा, भवनाथ, सप्तक और भद्रा पूर्णिमा। तो ये यहाँ पर है गाइज, मज़ा आ रहा है सबको ना, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। हाँ अभी एक खबर आई है कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है दैट विल बी ओपन फॉर everyone फ्रॉम 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर से दोस्तों आपका जो यूनिटी का स्टैचू है सरदार पटेल जी का वो आपका लॉन्च, वो आपका फिर से आपका ओपन किया जाएगा। उस वजह से आपका ये दोस्तों जो है वो न्यूज़ में है, ठीक है गाइस, याद रहेगा सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट ने अप्रूव किया है द डीमर्जर ऑफ द नगर स्टील प्लांट फ्रॉम द NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से अब आपका डीमर्ज होगा नगरनर स्टील प्लांट। जो नगरनर स्टील प्लांट है ये आपका बेस्ड है बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में, और ये अब आपका अलग किया जाएगा। इट विल बी सोल्ड ऑफ टू प्राइवेट प्लेयर्स बाय द गवर्नमेंट। तो एक और इंस्टेंस है जब सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही है, जब सरकार नगरनर स्टील प्लांट को दोस्तों बेचेगी, इट विल बी टेकन आउट फ्रॉम द NMDC। और ये जो आपका नगरनर स्टील प्लांट है इट इज़ बेस्ड इन बस्तर इन छत्तीसगढ़। इसकी कैपेसिटी आपकी है ऑफ स्टील आउटपुट दैट इज 3 million per ton एवरी ईयर, हर साल ये 3 million per ton तक आपका ये दोस्तों आउटपुट निकालता है। अब एक आपका सवाल आएगा कि सर आप प्लीज़ बताओ मेरे को NMDC के बारे में, मेरे को जानना है, मेरे को बताना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, PDF में आपको यहाँ पर जाना है, इस पर क्लिक करना है और आपको NMDC के बारे में आ जाएगा। NMDC दोस्तों जो है इट इज़ बेसिकली अ पब्लिक सेक्टर मिनरल प्रोड्यूसर। इट इज़ 69.65% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। बेसिकली इसका मेन मकसद है एक्सप्लोरेशन ऑफ आयरन ओर, कॉपर, रॉक फॉस्फेट, लाइमस्टोन। ये कंपनी आपकी बनी आपकी 58 में। इसके हेडक्वार्टर्स आपके जो हैं वो हैदराबाद तेलंगाना में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, और मिस्टर सुमित देव जो हैं वो इसके दोस्तों इस समय आपके चेयरमैन और MD हैं। इस समय जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आपका जो नगरनर स्टील प्लांट है उसको हटा दिया गया है। सो नाउ अपार्ट फ्रॉम द नगरनर स्टील प्लांट इसके पास ये 4 प्लांट्स हैं जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बलाडीला प्लांट इन बस्तर इन छत्तीसगढ़, देन वी हैव आयरन ओर प्लांट अगेन इन छत्तीसगढ़, दोनीमलाई आयरन ओर माइन अगेन इन बेलारी कर्नाटका, और डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट इन मजगांव पन्ना। तो ये 5 आपकी जगह हैं जहां पर इसके प्लांट ऑलरेडी हैं। नगरनर प्लांट को इससे आपका हटा लिया गया है दोस्तों, मज़ा आ रहा है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको लेजी नहीं पर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपके लिए क्या तक करने को रेडी हूं, बस आपको लगातार वीडियो को शेयर करना है और फटाफट वीडियो को 1,000 लाइव व्यूअर्स तक पहुँचाना है, दैट इज द ओनली टारगेट गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमिनेंट कुचिपुड़ी डांसर शोभा नायडू का दोस्तों देहांत हुआ है। ये कुचिपुड़ी आपकी दोस्तों नृत्य करती थी और इनका देहांत हुआ। शी वॉज द शिष्या ऑफ एमिनेंट गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, और 2001 में दोस्तों इनको पद्मश्री अवार्ड कुचिपुड़ी के लिए दोस्तों दिया गया था। उस वजह से भी आपकी दोस्तों जो ये न्यूज़ में थी। इनका नाम था दोस्तों आपका शोभा नायडू। अब अगर हम बात करें शोभा नायडू मैम की, तो स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये रहा आपके सामने, कि कुचिपुड़ी जो है ना आपका, कुचिपुड़ी इज़ बेसिकली अ क्लासिकल डांस फॉर्म। कुचिपुड़ी आपका एक फोक डांस नहीं है, कुचिपुड़ी आपका क्या है, कुचिपुड़ी आपका एक क्लासिकल डांस फॉर्म है। क्या है आपका, इट इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म।
इंडिया में देर आर 8 क्लासिकल डांस फॉर्म. कितने डांस फॉर्म है आपके? 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, जिनमें सबसे पहला है आपका भरतनाट्यम. स्क्रीन पे आपको दिया हुआ है, ये भरतनाट्यम आपके सामने है, ठीक है. दिस इज भरतनाट्यम गाइस, ये है आपके सामने, जो कि आपका है तमिलनाडु से. सेकेंड आपका है कथक, जो कि है आपका यूपी से. थर्ड आपका है कथकली, जो कि है आपका केरला से. फोर्थ है आपका कुचिपुड़ी, जो कि है आपका आंध्र प्रदेश से, ठीक है. फिफ्थ है आपका उड़ीसी, जो कि है आपका उड़ीसा से. सिक्स्थ है आपका सत्रिया, जो स्क्रीन पर दिया हुआ है ये असम से है. सेवन्थ है आपका मणिपुरी, ये मणिपुर से है. और फोर और एट्थ है आपका मोहिनीअट्टम, जो कि केरला से है. गाइज ये नाट्य शास्त्र जो है उसमें इनका मेंशन होना चाहिए. दे हैव टू बी मेंशन्ड इन द नाट्य शास्त्र विच वॉज रिटन बाय भारत मुनि, ठीक है. उसमें आपका होना चाहिए और इनको कहा जाता है आपके द 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स. समझ में आ गया गाइस? अब तो मैंने आपको डांस करके भी दिखा दिया कौन कौन से आपके डांस फॉर्म्स हैं, कहाँ कहाँ के हैं, ये एग्जाम में आपके आता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं दोस्तों हमारे कुछ की न्यूज़ वाइंस पे, ठीक है. इस पे आइए डिस्कस कर लेते हैं. और ये रहा आपके सामने सबसे पहले खबर दोस्तों जो है, दैट इज कमिंग फ्रॉम न्यूजीलैंड गाइस. न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे ताकतवर अब आपका पासपोर्ट बन गया है. और ये रिपोर्ट दी है बाय आल्टन कैपिटल, आल्टन कैपिटल ने. सो अकॉर्डिंग टू द आल्टन कैपिटल रिपोर्ट, द न्यूजीलैंड पासपोर्ट इज द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड. न्यूजीलैंड पासपोर्ट से अब आप वीज़ा फ्री एक्सेस पा सकते हैं 129 कंट्रीज में. सेकेंड स्पॉट पे आपका जापान आ गया है, अलॉन्ग साइड जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ मिलकर सेकेंड रैंक पे आ गया है. इंडिया जो है वो आपका 50th रैंक पे है. और इंडिया के साथ इस रैंक पे हैं आपका अल्जीरिया, जॉर्डन, बेनिन और गैबोन. इस लिस्ट को रिलीज किया है दोस्तों आपका आल्टन कैपिटल ने. तो अकॉर्डिंग टू अ न्यू डेटा गाइज एज पर दी आर्ट, देखो दो डेटा है. अकॉर्डिंग टू हेनली, अगर हम हेनली की बात करेंगे तो हेनली के हिसाब से अभी भी कौन है नंबर वन? आपका जापान. पर अगर हम बात करेंगे आल्टन कैपिटल की, दो अलग अलग डेटा है. आर्टन कैपिटल के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पर नंबर वन कौन आएगा? आपका न्यूजीलैंड आएगा, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू आर्टन कैपिटल, न्यूजीलैंड इज द फोक डांस होता है आपका लोक नृत्य, मतलब जो एक छोटे एरिया में होता है, जो कि आपका अमित पगरिया जी मेंशन नहीं किया गया है इन दी नाट्य शास्त्र, जो कि जिसका उल्लेख आपका नाट्य शास्त्र में नहीं किया गया, दैट इज अ फोक डांस. ऑलराइट, समझ में आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं दोस्तों हमारे अदर हेडलाइंस को. और ये दोस्तों आपका होमवर्क भी है. सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन को लॉन्च किया है उड़ीसा के अंदर. इंटरनेशनल ई वेस्ट डे आपका ऑब्जर्व किया गया 14 अक्टूबर को. इंडसैट जो कि तमिलनाडु स्टूडेंट्स की एक सैटेलाइट है, उसको लॉन्च करेगा नासा. राजीव गांव कमेटी बनाई गई है आपकी फॉर टेलीकॉम स्पेक्ट्रम एलोकेशन. अटल इनोवेशन मिशन ने टाइप किया है सीजीआई इंडिया के साथ फॉर इनोवेशन इन स्कूल्स. और नेपाल प्लस पाकिस्तान इनको रीलेक्ट किया गया है इन दी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल. उन्हें दोस्तों यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में आपका पुनः निर्वाचित नेपाल पाकिस्तान को आपका किया गया है. आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर जाना है, इस पर क्लिक करना है, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया और आपका ओपन हो जाएगा. ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ये ओपन हो गया और इसके पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है. तो मैंने आपके सब कुछ, आपके लिए सब कुछ दोस्तों कर दिया है. अब जैसा मैंने आपसे कहा बाय, अरे भैया बाय मत कहो, बाय मत कहो गाइज. द रीजन वाई, बिकॉज अब आपके लिए आया है सरप्राइज. और सरप्राइज क्या है आपका? आज का नोबेल प्राइज क्विज, ये सरप्राइज है आपके लिए. राइट, तो ये सरप्राइज है आपके लिए. चलिए तो सरप्राइज भी चलते हैं पहले क्वेश्चन पर. Who has won the Nobel Prize 2020 literature? इनमें से किसको मिला है दोस्तों आपका Nobel Prize literature का? Margaret Atwood, Peter Handke, Bianca Andreescu या Louis Gluck? इसका आंसर दोस्तों जो है, दैट इज ऑप्शन ई, दैट इज आपका Louis Gluck. Louis Gluck को दोस्तों ये सम्मान जो है वो दोस्तों आपका दिया गया है. क्वेश्चन नंबर टू, हार्वी जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को जिनको मिला है नोबेल प्राइज 2020 किस फील्ड में? इनको मिला है दोस्तों नोबेल प्राइज आपका इन द फील्ड गाइज ऑफ मेडिसिन. मेडिसिन में इनको दोस्तों नोबेल प्राइज आपका मिला है. क्वेश्चन नंबर थ्री, हु हैज वन द नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरिंग द मेथड ऑफ जीनोम एडिटिंग? जीनोम एडिटिंग के लिए इनमें से किसको मिला है नोबेल प्राइज? आपके सामने पांच ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं. कौन मिला है आपको जीनोम एडिटिंग? तो प्राइज दोस्तों दिया गया है टू ऑप्शन डी, इमैनुअल चापेंटियर एंड जेनिफर ए दूधना. क्वेश्चन फोर, नोबेल पीस प्राइज इस साल किसको मिला है? हु हैज वन द नोबेल पीस प्राइज? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? द आंसर इज, इट इज यूएसए को तो कभी नहीं मिलेगा. द आंसर इज, इट इज ऑप्शन ए, दैट इज WFP, इसको ये प्राइज मिला है. एंड द लास्ट क्वेश्चन गाइस,
हु हैज वन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर 2020, इनमें से किसको मिला है नोबेल प्राइज फिजिक्स में आपका 2020 में, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है आपके सामने, लेट्स सी द आंसर. द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइज इज, इट इज ऑप्शन सी, रॉजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और आंद्रिया गैस. इनको दोस्तों ये सम्मान आपका दोस्तों जो है वो मिला है. ठीक है गाइज, अब आपका ये होमवर्क है, ये आपके सामने पांच सवाल हैं जो कि आपको आंसर करने हैं. इसका मुझे आंसर चाहिए, इसका एक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. इनके आंसर्स आपको करने हैं दोस्तों इस ईमेल आईडी पर. आपको यहाँ पर अपनी फोटो भी भेजनी है और इस टेलीग्राम चैनल है इस पे जाके इसके आंसर्स भी आपको भेजने हैं. टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको देता हूँ, ये लहरा वो लिंक, इस लिंक पे जाके आपको इसका पीडीएफ जो है वो दोस्तों मिल जाएगा. जो लोग इस पर्टिकुलर सेशन को ऐप पे देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है गाइज, ऐप वालों प्लीज़ गाइज 5 स्टार से कम रेट मत करना. प्लीज़ डू नॉट रेट बिलो 5 स्टार. ऑलराइट, सब लोग प्लीज़ 5 स्टार से बिलो रेट मत करना. ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर टेकिंग द सेशन एंड बाय गाइज, टेक केयर, प्रेप स्मार्ट, स्कोर बेटर एंड गो ग्रेट गाइज. थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग. बाय बाय.